दोस्तों नमस्कार, मैं दौलत कतूरिया अपने YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आपका स्वागत करता हूं। माँ तुलसी है, उसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। माँ तुलसी इस भूलोक पृथ्वी पर कैसे आई, क्यों आई, तो आज हम इसका एक कथा के रूप में और विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखना सुनना। और ये जो वीडियो है ये दोस्तों मैंने कुछ वीडियो से उठा कर के लिए है, जो कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं बात माँ तुलसी और शंखचूड़ की। शंखचूड़ कौन था और तुलसी, पूरी कथा में आपको पता लगेगा। माँ तुलसी का एक पौधा, एक आम पौधा नहीं है जिसे हम वैसे ही माने, ये एक माँ तुलसी है। जैसे हमारी गौ माता होती है ऐसी तुलसी माँ है। ये तो स्वयं में लक्ष्मी का रूप है, नारायणी का रूप है। इनको तो सभी देवी देवता मानते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन देवता दिवाली मनाते हैं। लोग देव उठनी एकादशी का महाव्रत रखते हैं। देव उठनी एकादशी का महाव्रत इसलिए कहा जाता है, महाव्रत इसलिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से इसी दिन जागते हैं। ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 माह निद्रा में होते हैं। इसी दिन ये जागते हैं, इसी को ही देव उठनी एकादशी कहते हैं। एक पर्व एक बहुत बड़ा होता है। इसी दिन जब विष्णु जागते हैं तो देवी देवता दिवाली मनाते हैं, खुशियां, और हम सब कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, रखते हैं। इसे सब व्रतों से बड़ा व्रत माना जाता है। सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। एक बात और, एकादशी को जब भी हम व्रत रखें तो अगले दिन द्वादशी होनी चाहिए। ये थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कथा की बात करते हैं, कथा सुनते हैं, जागरण करते हैं, जागरण सुनते हैं। इसी माँ तुलसी की कई कथाएं करते हैं, कई लोग इसको सुनते हैं, जिसमें भी माँ तुलसी के बारे में करो या सुनो। कोई भी कथा माँ तुलसी के बारे में कहो या सुनो, उस महाव्रत को पुण्य प्राप्त होता है, 7 जन्मों का पाप धुल जाता है। माँ तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें, इसमें पूर्व की तरफ नमस्कार करें, पूर्व या उत्तर की तरफ, तो पुण्य प्राप्त होते हैं और वैकुंठ मोक्ष का रास्ता खुल जाता है और परिवार सुख शांति धन धान्य से भरपूर हो जाता है। सारे कष्टों का निवारण होता है और इंसान सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से, आस्था ये सब करता है तो पुण्य ही प्राप्त होता है, ऐसा पुराणों में वर्णन किया है। दोस्तों मैंने वेद पुराण तो नहीं पढ़े, लेकिन कथाकारों से ये कथा सुनी, जो कथा करते हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया और मैं आप सबको बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि हम सभी पुण्य के भागीदार बने। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कथाएं कही हैं। व्रत करने वाला, कथा सुनने वाला, कथा कहने वाला, जागरण करने वाला, जागरण सुनने वाला, सभी व्यक्तियों को पुण्य प्राप्त होते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला फल, योगी, तपस्वी, इस तरह के फल जो हम चारों धामों की या तीर्थ यात्रा करते हैं उसके बराबर के फल प्राप्त होते हैं। अश्वमेघ के फल के बराबर ये फल प्राप्त होता है। हम एकादशी का व्रत करें और उसको पूर्ण संपूर्ण करें और ये सारी कथाएं सुनें। गोदान के बराबर और दान जो अन्य दान करते हैं, दान पुण्य सेवा, इन सब के बराबर का सारा फल प्राप्त होता है। भगवान की पूजा करने वालों को सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य प्राप्त होते हैं। कहते हैं कार्तिक माह में भगवान दान पुण्य सेवा गोदान तीर्थों की यात्रा से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कथा सुनने वे सुनाने से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करो, जितना हो सके कथा सुनो। सुना नहीं सकते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करोगे तो भी आपको पुण्य फल प्राप्त होंगे। आस्था बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। दोस्तों व्रत संपन्न करने पर लाल चुनरी वे लाल झंडा या माँ तुलसी पर चढ़ाएं, आपको मनोकामना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी।
आप कथा शुरू करते हैं, अलग अलग पंडितों द्वारा अलग अलग कथाएं होती हैं, कोई भी कथा सुनो बस एक बात जरूर होनी चाहिए, माँ तुलसी की अलग अलग कथाओं में। जैसे एक कथा तो मैंने पिछले वीडियो में भी दे दी है, एक नगर वाली, एक नगर में राजा होता है, उसका लिंक मैंने नीचे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। एक कथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक पंच भिखु की भी कथा होती है, ऐसे अनेक कथाएं हैं जो कही जाती हैं। अलग अलग वीडियो में आपको अलग अलग कथाएं सुनने को मिलेंगी, आप कोई भी कथा सुने फल प्राप्त होगा। तो आज हम शुरू करते हैं शंखचूड़ की कथा, माँ तुलसी कैसे पृथ्वी पर आई। एक राजा था जिसका नाम धर्मध्वज, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी। धर्मध्वज को कठोर तपस्या की, हरि भगवान केशव की तपस्या की, उनकी सेवा की। उसके बाद उनके घर में एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री जन्म के बाद वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री कोई और नहीं, ये स्वयं लक्ष्मी है, नारायणी है, तुलसी देवी ही माँ लक्ष्मी है और राधा रानी कौन है, ये माँ लक्ष्मी का विस्तार है। विस्तार मतलब रूप है, मतलब जैसे रुक्मिणी है, राधा रानी है, लक्ष्मी है, सत्यभामा है, कालिंदी, यमुना, सब बताते हैं राधा रानी का ही विस्तार है। और राधा रानी कौन है आप सब जानते हैं, विश्व जानता है कि कृष्ण की सबसे प्रिय सखी ही राधा रानी है। राधा रानी कृष्ण है और कृष्ण की राधा रानी है का विस्तार है। राधा रानी कृष्ण की आनंद शक्ति है और सब कुछ है। तुलसी रानी जो नाम वृंदा रखा गया, और वृंदा जो है वो राजा धर्मध्वज की घर में पलने लगी, बड़ी होने लगी और उनकी हमेशा हरि कथा सुनने की इच्छा रहती थी। मन में हरि नाम होता था तो हरि भक्त बनना चाहती थी। तो उसके पिता ने कहा कि तुम सच में हरि को चाहती हो तो तुम तपस्या करो। तो उन्होंने तपस्या करी और तपस्या इतनी भयंकर करी कि हजारों वर्षों तक, 30,000 तक बताया जाता है कि 30,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जल और फल खाया। उसके बाद उसने हजारों वर्ष, मतलब लगभग 40,000 वर्ष बताते हैं तक की सूखी पत्तियां खाई। ये वर्णन स्कंद पुराण में से है, परंतु मैंने ये कथा सुनकर ही आपको सुना रहा हूँ। बताया गया है कि ये पुराण कथा स्कंद पुराण से है ताकि कुछ पुण्य का भागीदार बन सकें। तो सूखी पत्ती खाने से आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या हो सकती है। इसके बाद उन्होंने हजारों वर्ष वायु खाकर अपना जीवन गुजारा। इसके बाद भी कई वर्ष तक खड़ी रही, एक पाँव पर खड़ी रही। वो तो आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तो आखिर में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला रुको, क्योंकि वो वायु पर जीवित होने लगी थी तो वायु खत्म होने लगी पूरे ब्रह्मांड में। तो पूरे ब्रह्मांड में जब वायु खत्म हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की सारी वायु रुक गई है, बोलो क्या चाहती हो तुम, क्या वरदान चाहती हो। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही वरदान चाहती हूँ कि मैं एक राधा रानी की एक प्रिय गोपी हूँ और प्रिय गोपी होने के कारण मेरा मन कृष्ण के साथ रास करने का मन करता है। तो रास करते करते कृष्ण ने कई हजार रूप में विस्तार किए हैं और जब वो मेरे साथ एक रूप में आए तो मैं इतना प्रसन्न हुई कि ये पुरानी कथा है। तो मैं इतना प्रसन्न हुई कि मैंने कृष्ण को छोड़ा नहीं। रास समाप्त हो गया तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, रास बंद हो गया फिर भी तुमने कृष्ण का विस्तार स्वरूप पकड़ के रखा हुआ है, छोड़ो इसे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी जिस तरह की इच्छा है ऐसी इच्छा आध्यात्मिक जगत में नहीं होती, तुम नीचे चली जाओ। नीचे मतलब पृथ्वीलोक में, पृथ्वीलोक में जाकर तुम जड़ पेड़ बनो, क्योंकि तुमने पेड़ की तरह राज प्रसंग समाप्त होने के बाद भी जारी रखा, तो इसलिए ये श्राप दिया राधा रानी ने। तो यहाँ एक बात है जो कि उसमें काम वासना की थी तो पृथ्वीलोक पर आई। आध्यात्मिक लोक में जो चला जाता है वहाँ किसी चीज़ की लालच नहीं होती, परंतु ये एक लीला होती है, लीला थी भगवान की। और ये श्राप ना मिलता तो माँ तुलसी का विस्तार कैसे होता। तो तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि कुछ ही समय में भगवान का एक विस्तार, ग्वाल रूप में सखाओं का एक हिस्सा था, वो प्रकट होंगे आएंगे।
तो उसे ग्वाल बाल सखा ने एक दिन वृंदा को ऊपर नजर रखी और कहा कि गोपी बड़ी सुंदर है, किसी दिन उसके साथ रास नृत्य हो, मैं उसके साथ स्वांग करूं। इस पर कृष्ण ने उसको क्या कहा, बोले जो भोग कामना का इजाजत, यहाँ पर जो है भोग कामना की इजाजत नहीं है और उनको मैं अपने साथ नहीं रखता। जो वृंदावन में रास शुरू होने वाला था तो कामदेव वहाँ प्रकट हुए और कहा आप बहुत बड़े मजे आएंगे। तो कामदेव के पास अपने ढंग हैं लुभाने के, जैसे आँखों से, नजरों से, सुंदरता से लुभाने की कहा। तो उस पर कृष्ण ऐतराज करने लगा, उससे कृष्ण ने कहा कि कामदेव तुम गलत जगह आ गए हो, ये रास काम वासना की स्थली नहीं है, ये महाभगवतों की स्थली है जहाँ व्यक्ति के मन में काम वासना समाप्त हो जाती है, वो रास प्रसंग को समझ पाता है तो यहाँ प्रवेश नामुमकिन है। यमुना के पास एक बैलगांव लक्ष्मी वहाँ पर तपस्या करी है, जिस शिवजी भी वहाँ पर नहीं आ सकते। शिवजी इतने बड़े हैं हो कि उसके रास में प्रवेश की अनुपति उनको नहीं है, ये गोपियाँ स्वरूप रास है, इसलिए कामदेव तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। कामदेव नहीं माना, बोला आज तो बहुत मजा आएगा, आप स्वांग करेंगे, इधर उधर नृत्य होगा, आप उनके साथ घूमेंगे और मैं पूरा आनंद लूंगा। जैसे ही भगवान कृष्ण ने रास शुरू किया, कामदेव वहां से झुलस झुलस के जलने लगा उसका शरीर और वहां से गायब हो गया। किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि भगवान का रास काम वासना का नहीं है। कहते हैं भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी तो वो उनको अपनी वजह थी, वो एक ही समय में सबके सामने प्रकट हो जाता था क्योंकि वो भगवान के रूप थे, इसलिए किसी को भी भगवान कृष्ण की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वो भगवान है। इसलिए उस ग्वाल सखा को भगवान ने कहा कि तुम नीचे जाओ, तुम भौतिक संसार में जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। उधर वृंदा देवी भी नीचे आई, उधर ग्वाल सखा नीचे आया और उसका नाम पड़ा शंखचूड़। कई जगह पर उसको जलंधर भी कहा गया है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है। तो ये कैसे प्रकट हुआ, शिवजी के नेत्रों से प्रकट हुआ और समुद्र का पुत्र बना। शिवजी के नेत्रों में क्रोध था, क्रोध से पैदा हुआ, क्रोध अग्नि से वो प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद उसने भी बहुत बड़ी तपस्या की, तपस्या करने के बाद वो एक शक्तिशाली राक्षस बन गया। कई पुराणों में वर्णन है कि दम्भ नामक एक राक्षस था, राक्षस का मतलब, दम्भ का मतलब होता है अहंकारी, तो उस राक्षस का नाम था दम्भ, जिसको अहंकार हो गया था। उस राक्षस के घर में शंखचूड़ को जन्म हुआ। अब राक्षस की प्रवृत्ति का था तो बहुत बड़ी तपस्या की ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि वो कौन सी चीज़ प्रदान करे, तो जिसमें शंखचूड़ उसने कहा कि मुझे, शंखचूड़ ने कहा कि मुझे मृत्यु कभी ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा वो तो सिर्फ सिर्फ कृष्ण के हाथ में ही होता है, जिसको मारे तो कोई बचा नहीं सकता और जिसकी रक्षा करे तो उसको कोई मार नहीं सकता, ऐसा तो सिर्फ कृष्ण के पास ही है, तो ऐसा क्या मैं लूँ जो कृष्ण मेरी रक्षा करे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ये लोग कृष्ण कवच प्रदान किया और जब तक आप इसे पहनोगे तो आपको कोई नहीं मार सकता, स्वयं कृष्ण भी तुम्हें नहीं मार सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं अब क्या करूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाओ और तुम्हारे लिए एक स्त्री इंतजार कर रही है, तपस्या कर रही है, उसको कृष्ण विस्तार रूप, उसको एक पति चाहिए, तुम उससे विवाह करो। तुम शंखचूड़ राक्षस और लक्ष्मी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो दोनों बड़ी प्रसन्नता से रह रहे थे, पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए रह रहे थे। लेकिन शंखचूड़ तो राक्षस प्रवृत्ति का था और शक्तिशाली था, उसको तो कृष्ण कवच भी मिला हुआ था, तो उसने पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करने की सोची, सबको हराया। तो उसने इंद्र देवता को भी लात मार के निकाल दिया, भागो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इंद्र देवता भी, सभी देवता भागे वहाँ से और कृष्ण के पास पहुँचे, बोलने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा
पुकारते हुए उनके पास गए तो बेचारे भागे भागे वहां आए तो कृष्ण ने कहा हमें बचा लो। कृष्ण से कहा उन्होंने कि हमें बचा लो, तो भगवान ने कहा ठीक है चिंता ना करो मैं जाता हूँ। तब ब्रह्मा भी वहां पर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा आप कैसे जाओगे, अगर आप जाओगे तो आपका फायदा क्या, आपका कवच दिया हुआ है हमने, आप नहीं मार सकते। तो लोग कहेंगे कि कृष्ण बड़े अजीब हैं, पहले कवच देते हैं और फिर खुद ही मार देते हैं, तो इसलिए आप मत जाइए, आप अपने किसी भगत को भेजिए, जो भगवान के सबसे बड़े भगत शिव जी को भेजा। शिव जी चले गए और सब बोले बम बम बोले, लेकिन मैं जाऊंगा, कृष्ण सेवक करेंगे, कृष्ण का नाम लेते हरे कृष्ण का मंत्र जाप करते हुए वो गए, वहाँ पहुँच गए और आगे धनुष बाण को लेकर गए और धनुष बाण को लेकर तैयार हुए और युद्ध हुआ, कई वर्षों तक युद्ध हुआ। वहाँ पर इसलिए हुआ कि उन्होंने पहले युद्ध को ललकारा तो शंखचूड़ नहीं माना, उन्होंने कहा कि आप पूजनी हो लेकिन मैं बिना युद्ध के आपको ये वापिस नहीं लौटा सकता। शंखचूड़ कभी जीतते कभी हारते, कभी शिवजी जीतता कभी शंखचूड़, इस तरह से काफ़ी वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। देवी देवता कांपने लगे, कांप रहे थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है। युद्ध बड़ा भयंकर चल रहा था, आखिर में उसने एक शस्त्र का इस्तेमाल किया जिसमें सबसे आगे कृष्ण तीर था और उसके बीच में शिवजी की शक्ति थी और उसके पीछे ब्रह्मा की शक्ति थी और उन तीनों शक्तियों को मिलाकर वह बाण लगाने ही वाला था कि नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने कहा अभी ये बाण मत चलाओ, अभी तो कृष्ण कवच पहने हुए है, वो मरेंगे नहीं, इसलिए ये बेकार हो जाएगा बाण, खराब मत करो। कृष्ण भगवान को आग्रह किया तो कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा मैं तुमसे दान चाहता हूँ। तो शंखचूड़ ने कहा ब्राह्मण जी बताइए मैं आपको क्या दान दे सकता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा पहले आप हामी भरिए कि दान दोगे, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। तो शंखचूड़ ने हामी भरी तो उन्होंने मांगा कि आप मुझे ये कवच दे दो। कवच लेकर कृष्ण चले गए, उन्होंने कवच दे दिया और कवच लेकर कृष्ण चले गए। ब्राह्मण रूपी धारी कृष्ण शंखचूड़ भूल गया था कि इतने सालों से यही मेरा कवच था जो मुझे जिताता था, वो भूल गया था गमन में, जिससे मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, कृष्ण कवच की रक्षा से मैं जीत रहा हूँ, उसे नहीं पता था। उसे लगा कि मैं अपनी शक्ति से जीत रहा हूँ। कई बार हमें भी लगता है, हम भी भूल जाते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं है, ये तो हम खुद ही कर रहे हैं, ये अहंकार आ जाता है, हम कहते हैं ये काम मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे में ही शंखचूड़ को भी अहंकार आ गया और उधर भगवान कृष्ण ने एक बात और सुनी सखियों द्वारा कि उनकी पत्नी पतिव्रता धर्म का पालन कर रही है वृंदा के कारण भी ये शक्तिशाली है चंद, अगर उसका पतिव्रता धर्म भंग होगा तभी शंखचूड़ की शक्ति हीन हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है ये भी काम मुझे ही करना पड़ेगा, परेशान होकर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करो, तुम लड़ाई झगड़ा करते हो और मुझे बचाने आना पड़ता है, हल मुझे निकालना पड़ता है और मुझे बुलाते हो। तो भगवान कृष्ण का ये हल भी मैं निकालूंगा। तो भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने शंखचूड़ को वेश अपना जो वेश है वो शंखचूड़ का वेश धारण करके वृंदा के पास गए उनके घर के अंदर और कहा देखो सखी तुम्हारी शक्ति से आज मैं विजय हो गया, मैंने शिव को इतना मारा शिव अपने धाम को चले गए, देवी देवता डर के वापस चले गए और शुक्राचार्य के कहने पर मैंने इंद्र को उसकी गद्दी भी लौटा दी और कुशलता से युद्ध समाप्त हो गया और मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारी जय हो वृंदा तुम्हारी जय हो कहकर शंखचूड़ के रूप भगवान कृष्ण को स्पर्श कर गए। इस सेवा पति के साथ सो गई और शंखचूड़ ने जैसे ही अपने पति को छुआ तो बोली कि आज आपको छूने में आज जो बात नहीं महसूस हो रही जो पहले होती थी तो हमेशा होती है, जिसे प्रेम
आज रोज जैसे पहले प्रेम रोज करते थे वैसा महसूस नहीं हो रहा है। तो आप बताइए सच में आप कौन हैं, कहीं आप वेशधारी तो नहीं है? तो वृंदा के इस आग्रह पर भगवान कृष्ण ने झूठ बोला, नहीं नहीं मैं शंखचूड़ हूँ। पहले वो झूठ बोला, बाद में दोबारा पूछा, पुनः पूछा, तो कृष्ण भगवान झूठ नहीं बोल पाए, सच बताओ। तो भगवान ने सच बताया, तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया, तो घबरा गई और उन्होंने कहा कि मैंने व्रत लिया था कि मेरे पति के सिवाय मुझे कोई नहीं छू सकेगा, मुझे छू नहीं सकता, पर कृष्ण आज तुमने छल से भ्रम से मुझको छू लिया है, इस कारण से आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरा पतिव्रत धर्म समाप्त हो गया है। और जैसे ही उसका पतिव्रत धर्म समाप्त हुआ और उधर शिवजी ने बाण चला दिया और शंखचूड़ की गर्दन कट गई और वो मारा गया। और देवताओं ने कहा शिवजी की जय हो जय हो। उधर कृष्ण भगवान को वृंदा ने श्राप दिया और कहा आप भगवान हैं, स्वयं भगवान होने की आपने ऐसी हरकत की, ऐसी लीला क्यों की? आप पत्थर बन जाओ, आपका हृदय जो है पत्थर का है, आपने पत्थर रूपी बनकर अपना हृदय पत्थर हो जाता है, जिस पत्थर का रूप होता है, आप पत्थर बन जाओ, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाओ, आप जन्म जन्म तक पत्थर बने रहो। तब भगवान ने कहा देखो वृंदा, मैंने कोई गलती नहीं की, ये तो मैंने सब आप लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए ही किया है, क्योंकि तुमने गोलोक में, वो लोक धाम में जब तुम राधा रानी की सखी थी, तब तुम्हारे मन में क्या इच्छा आई थी कि मैं कृष्ण का स्वांग करूं और तुम मेरे साथ स्वांग करो, मैंने उसी का पूरा किया, उसी की पूर्ति की है, ये तुम्हारी इच्छा थी। और शंखचूड़ की भी इच्छा तुम्हारे साथ, इसलिए उसको मैंने नीचे भेजा और वो तुम्हारे पति बने। तो इस तरह से सारी इच्छा पूर्ण करने वाला हूँ जो आज सब ने चाहा, और आज मुझे अगर आप श्राप देती हैं, देना चाहती हैं, तो भक्तों के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, ये सब कुछ स्वीकार करता हूँ, क्योंकि तुम कौन हो, कृष्ण प्रिय हो और सखियाँ हो, ये श्राप भी मैं स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने अपने आप को एक शालिग्राम रूप में विस्तृत कर लिया, और आप ये जो है शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी में शालिग्राम विराजमान है। और तुलसी महारानी जब ये पता चला कि लक्ष्मी जी सखियां वहां आई और उन्होंने देखा कि वृंदा श्रापित कर चुकी है हमारे पति को, कृष्ण भगवान को, तो पत्थर बन गया है, तो तुम भी, तुम्हारा जो शरीर है भौतिक शरीर, ये नदी बन जाए। उन सखियों ने भी वृंदा को श्राप दिया और तुम्हारे जो ये बाल हैं ये वृक्ष बन जाए। तो क्योंकि ये दिव्य स्त्री थी तो उसके शरीर से वो गंडकी नदी बन गई और उनके बालों से माँ तुलसी महारानी बन गई। और कहा गया कि आज के बाद जो कि तुम मेरा संग चाहती थी तो तुम्हें सदा सदा मेरा संग प्राप्त होगा, और आज की सेवा तभी मानी जाएगी, सभी लोगों की सेवा तभी मानी जाएगी तब उसके संग शालिग्राम रखा जाएगा। उस दिन से शालिग्राम और तुलसी की सेवा शुरू हो गई। आज भी गंडकी नदी में आप जाएंगे और तुलसी महारानी के पत्ते के साथ हाथ में रखेंगे, एक हाथ में, तो जल को हाथ में लेंगे तो कहते हैं शालिग्राम आपके पास आ जाएंगे। जल कमंडल में तुलसी का एक पत्ता डाल दो और जल भरोगे तो उस कमंडल में शालिग्राम आ जाएंगे। शालिग्राम एक प्रकार का कीड़ा होता है जो गंडकी नदी में पाया जाता है, काले रंग का पत्थर, अंदर घुसकर भी भगवान के 24 अवतार का विस्तार पूर्वक नकाशी करते हैं। ऐसा आप शालिग्राम पत्थर को दो भागों में बांटेंगे तो आपको दिखाई देगा सुदर्शन चक्र बना हुआ दिखाई देगा, नरसिंह भगवान बने हुए दिखाई देंगे, तो किसी में किसी रूप में वो दिखाई देंगे। किसी को ये भ्रमित होना नहीं चाहिए कि कोई भी काला पत्थर शालिग्राम होगा, नहीं। तो शालिग्राम का पत्थर बहुत बड़ा होता है, जो बहुत बड़ा पत्थर होता है उसको अगर हम दो भागों में बांटें तो भगवान का चित्र दिखाई देता है। कई ज्वेलर्स की दुकानों पर भी सुना है मिलता है, परंतु कहते हैं कि इसे खरीदा
हुआ नहीं होना चाहिए। इसे तो जो दे दे और उसी की हम पूजा पाठ करें तभी वो हमारी सफलता होती है। भगत अगर हम आपको वैसे भी देखा तो उसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। जो हमें भगत कोई देता है तो उससे तुलसी महारानी बड़ी प्रशंसित होती है। भगवान अपने भक्तों को इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं तो भगवान की सेवा हमेशा माँ तुलसी से करें, मतलब माँ तुलसी मंजरी से ही भगवान विष्णु को अर्पित करें, जो कि भगवान को अति प्रिय हैं। भगवान से के मस्तक पर रखा जाए तो बहुत कृपा मिलती है, भगवान को भोग लगाया जाए तो बहुत कृपा मिलती है, भगवान के चरणों में रखा जाए तो बहुत कृपा मिलती है, और आपको तुलसी का पत्र मिलता है और उसको सूंघने से मात्र से ही सूंघने की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ये परफ्यूम इत्र इन सब से अच्छा होता है। माँ तुलसी का पत्ता सूंघने पर नासिकाएँ इच्छा इंद्रियाँ सब खुल जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। तो माँ तुलसी वैसे भी बहुत कृपा करने वाली हैं। इसको द्वादशा वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये इसी दिन प्रकट हुई थी, नहीं तोड़ना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त से पहले तोड़ें, उसके बाद जल में से धोकर उसे धोकर भगवान को अर्पित करें। कहते हैं एकादशी का जो व्रत है वो उसी दिन होना चाहिए जब अगले दिन द्वादशी हो, तभी वो व्रत सफल होता है, क्योंकि द्वादशी के दिन ही माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। माँ कहते हैं तुलसी दल और गंगा जल कभी भी अपवित्र नहीं होते, उसको आप रख सकते हो, कभी भी चढ़ा सकते हो। तो कभी ऐसा होता है कि हमें तुलसी नहीं तोड़नी तो, या तुलसी हमारे पास नहीं होती तो पहले दिन जो तोड़े हुए पत्ते हैं रख सकते हैं, दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं, कभी भी चढ़ा सकते हैं, 10-15 दिन के बाद भी उन पत्तों को, सूखे पत्तों को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। ये कभी भी अपवित्र नहीं माने जाते हैं। कथा आपने पूरी सुनी माँ तुलसी की। आशीर्वाद आपको घर परिवार फले फूले धन धान्य से भरपूर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आपको भी पुण्य प्राप्त होगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।